राष्ट्रीय बालिका दिवस व किशोरी बालिका दिवस के अवसर पर भिलाई 3 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमांक 3 में बालिकाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही जानकारियां भी दी गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस व किशोरी बालिका दिवस के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही जानकारियां भी दी गई। किशोरी बालिकाओं के माहवारी को लेकर LHV श्रीमती आर विश्वास व श्रीमती ए दत्ता ने उनको सैनिटरी नैपकिन उपयोग की विधि बताकर हाइजीन साफ सफाई संबंध में जानकारियां दी। वहीं पोषण आहार के संबंध में भी सेक्टर सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि संतुलित पोषण आहार से कुपोषण से बचा जा सकता है। खून की कमी से बचने के लिए आयरन युक्त आहार, जिसमें पालक भाजी, गाजर, हरी साग सब्जी और फलों का उपयोग करते रहने की बातें कही। स्कूलों में आयरन विप्स की गोली दी जाती है, उसका उपयोग अवश्य करने की बात कही। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि सभी सेक्टर में किशोरी बालिका दिवस के माध्यम से बालिकाओं के स्वास्थ्य की देखभाल कर उनके अंदर विभिन्न रोगों, हाइजीन, पोषण और रक्त अल्पता के संबंध में जानकारी देकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। बताएंगे बालिका जो ये खंड चिकित्सा अधिकारी पाटन डॉक्टर आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में पाटन विकास खंड के अंतर्गत जितने सेक्टर है, भिलाई 3, गाराडी, रानीतराई, झीट और बटरेल, इसमें हम लोग को बालिका दिवस मनाना है। बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि किशोरी बालिकाओं के हाइजीन के ऊपर पे चर्चा करना है, किशोरी बालिका के पोषण पे चर्चा करना है, किशोरी बालिका के ग्रोथ पे चर्चा करना है, वैक्सीनेशन पे चर्चा करना है कि किस तरीके से किशोरी को, बालिका को खून की कमी से मेंसेस उनका प्रारंभ होता है, किस तरीके से उसके बारे में हम उसको महिलाओं के द्वारा चर्चा करके उनको एक जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करें और उनके अंदर जन जागरूकता लाएँ, सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में उनको जागरूक कर सकें और अच्छे पोषण आहार अगर वो लेंगे तो निश्चित रूप से खून की कमी उनको दूर होगी। तो एक अच्छे पोषण आहार, सुपोषण आहार के बारे में उनको जानकारी देंगे। तो एक जन जागरूकता अभियान है ताकि हमारी बालिकाएं, किशोरी बालिकाओं की खून की कमी से आगे होने वाली बीमारियों से उनको बचाया जा सके। बहरहाल इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओं में रक्त की कमी दूर करने उन्हें उपाय बताए गए और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के संबंध और हार्मोन परिवर्तन पर जानकारियां दी गई। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति, सहायिका सरोज वर्मा सहित किशोरावस्था आयु की बालिका गण उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।